क्रिएटिनाइन ब्लड में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है। इसके बॉडी में बढ़ने से किडनी का काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले से ही हाई क्रिएटिनिन के मरीज हैं, तो जरूरी है कि इसके वक्त रहते कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इसे कंट्रोल कैसे करें, तो आपको बता दें कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस अपने डाइट में थोड़े से बदलाव करने हैं, जिससे आप क्रिएटिनिन पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिनिन को कम करने वाली हेल्दी डाइट क्या है। शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो आपको बता दें कि हाई क्रिएटिनिन के मरीज अपने ब्रेकफास्ट में पोहा, दलिया, उपमा, इडली, डोसा जैसे फूड आइटम्स को शामिल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इन फूड आइटम्स को आप कम मसाले में बनाएं, क्योंकि ज्यादा मसालेदार खाना आपके क्रिएटिनिन को बढ़ा सकता है। वहीं बात लंच की करें तो आप लंच में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दही, सलाद जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। इन चीजों को खाने से ना सिर्फ आपका क्रिएटिनिन लेवल कम होगा, बल्कि आपकी किडनी भी डिटॉक्स हो जाएगी। ब्रेकफास्ट और लंच के बाद जरूरी है डिनर। तो आपको बताते चले कि आप डिनर में लिमिटेड अमाउंट में व्हाइट एग्स खा सकते हैं। इसके साथ ही आप लो पोटेशियम वाली सब्जियों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि परवल, टिंडा, तोरई, घिया वगैरह, क्योंकि इन सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है। वहीं आप बिना छिलके वाली दाल और गेहूं की रोटी को भी अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हेल्दी डाइट की बात, लेकिन साथ ही जान लेते हैं कि क्रिएटिनिन हाई होने पर किन फूड्स को खाने से बचना चाहिए। तो आपको बता दें कि हाई क्रिएटिनिन के मरीज हाई प्रोटीन वाली चीजों को जैसे कि पल्सेस, नॉनवेज, एग योग, सोया नहीं खाने चाहिए। इन चीजों से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। तो जैसे कि आपने वीडियो में जाना कि क्रिएटिनिन पर काबू पाने के लिए किस तरह की हेल्दी डाइट को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस डाइट को फॉलो करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।